नलिन अकाडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति जो खुद को कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और साथ ही साथ यह भारत में जनसंख्या के मामले में चौथा स्थान रखती है। जनजातियों की कुल जनसंख्या झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या में उरांव जनजाति की जनसंख्या लगभग 20% है। इसका ज़्यादातर जो संकेंद्रण है वो छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में है। तो इसी आज एक महत्वपूर्ण जनजाति के ऊपर सवाल जवाब किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उरांव जनजाति की भाषा क्या है? उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुख। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी सवाल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कर सकें। पहला का उत्तर होगा सी। ठीक है, सवाल नंबर दो, उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? देखिए, उरांव जनजाति हैं, एक युवा गृह होता है उनके पास, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, ढूम कुरिया। सही जवाब, ढूम कुरिया। अगला सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार। अभी मैंने बताया था आपको कि उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार में है। अगला सवाल, ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? जी हाँ, इसे माना जाता है कि ये लोग दक्षिण से आए थे, दक्कन माना जाता है। सवाल नंबर पाँच, निम्न में से किस जनजाति के लिए कुड़ुख शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि कुड़ुख शब्द का प्रयोग किया जाता है उरांव जनजाति के लिए। बिल्कुल। अगला सवाल, कुड़ुख शब्द का सर्वाधिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? जी देखिए, उरांव जो जनजाति है उसमें 14 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन उरांव जनजाति के संबंध में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। बिल्कुल, ये तो सही है। इस जनजाति में गोदना प्रथा का विशेष महत्व है। बिल्कुल है। इस जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है। ये भी सही है। और डी नंबर है कि उपरोक्त सभी कथा। बिल्कुल, तो डी नंबर उत्तर होगा। सवाल संख्या 9, उरांव जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन है आपके पास, सेवा विवाह, राक्षस विवाह, आयोजित विवाह या प्रतिज्ञा विवाह। इसका उत्तर होगा आयोजित विवाह, सी नंबर। सवाल नंबर 10, आयोजित विवाह की क्या विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन यही है, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। बिल्कुल, देना पड़ता है। इसमें वधु पक्ष को वर मूल्य देना पड़ता है? नहीं, जनजातियों में ये नहीं है। विवाह का आयोजन किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है? सही है। उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा नहीं। इसका उत्तर ए है, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। यानी कि विवाह का आयोजन किसी धार्मिक स्थल पर होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11,
उरांव जनजाति में सेवा विवाह की क्या विशेषता है? ठीक है, सेवा विवाह में क्या होता है? देखिए, वधू द्वारा विवाह से पूर्व वर के घर रहकर उसके परिवार की सेवा करनी होती है, या वर द्वारा विवाह से पूर्व वधू के घर रहकर उनकी सेवा करनी पड़ती है, या उपयुक्त दोनों सही है, या उपयुक्त दोनों असत्य है? तो इसका उत्तर होगा 11 का बी नंबर, वर द्वारा वधू के पूर्व वधू के घर रहकर उनके परिवार की सेवा करनी होती है। ठीक है, बी नंबर। सवाल नंबर 12 देखते हैं। देखिए, उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का उनके नामकरण से मिलान करें। युवा गृह को क्या कहते हैं? तो युवा गृह को तो हम लोग धूम कुड़िया कहते हैं, ये देख चुके हैं। ठीक है, पंचायत को क्या कहते हैं? पंचायत को क्या कहेंगे? पचौरा कहेंगे, पचौरा। ठीक है, जो नाच का स्थान है वो अखाड़ा कहलाएगा, अखाड़ा कहते हैं। और ग्राम प्रधान महतो, यानी कि उरांव जनजाति में जो ग्राम प्रधान होता है वो कौन होता है? महतो होता है। बिल्कुल याद कर लीजिए। सवाल नंबर 13, उरांव जनजाति में त्योहारों के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। खनरिया कहते हैं, सरना कहते हैं, कुड़िया कहते हैं, या केरिया कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा केरिया। ठीक है, उरांव जनजाति में त्योहारों के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? जी, सवाल नंबर 14। देखिए, महिलाएं जब पहनती हैं त्यौहार के समय कोई वस्त्र, एक विशेष वस्त्र पहना जाता है जिसे कहते हैं खनरिया। ठीक है, सवाल नंबर 15, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न का मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पर है मौसम और गतिविधि, कौन से मौसम में कौन सा शिकार होता है। ठीक है, तो कुछ तो हम लोग देख सकते हैं, शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि फागु सिंद्रा तो होगा कब? फागुन में। ठीक है, और जो वर्षा ऋतु है जेठ शिकार होता है वर्षा ऋतु में, और सुसेंद्रा जो है वो होता है बैसाख में। ठीक है, सवाल नंबर 16, उरांव जनजाति के नाच के स्थान को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि इसको कहते हैं अखड़ा। ठीक है, सवाल नंबर 17, उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ कब होता है? जी हाँ, धान की फसल बोने के बाद, धान की फसल कटाई के बाद, चैत्र माह के प्रारंभ के साथ, या चैत्र माह के समाप्ति के साथ? इसका उत्तर हो जाता है कि धान की फसल कटाई के बाद, जब धान की फसल कटती है तब। सवाल नंबर 18, झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है, यानी कि कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा संपन्न है, सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? तो ये तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं, उरांव जनजाति का चैप्टर चल रहा है तो इसका उत्तर भी होगा उरांव। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा जा रहा है। यह जनजाति स्थायी कृषि बन गई है, तो ये तो सही है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है, सही है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा सभी कथन सत्य, यानी कि तीनों सही है, कोई भी गलत इसमें नहीं है। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? जी हाँ, तो उरांव के प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश है। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की जाती है? पृथ्वी, आकाश, सूर्य,
या प्रकृति? इसका उत्तर है सूर्य। उरांव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान कीजिए। ठीक है, उरांव जनजाति में कौन से देवता हैं, कौन से मिलान करते हैं? तो मरांग बुरु पहाड़ देवता, ठीक है, ठाकुर देव हो जाएंगे, मरांग बुरु पहाड़ देवता, ठाकुर देव हो जाएंगे ग्राम देवता, और डी हवार कौन से हो जाएंगे? डी हवार हो जाएंगे अपने सीमांत देवता, और जो पूर्व जात्मा हैं वो हो जाएंगे कुल के देवता। तो ये मिलान करने के बाद देखिए कौन सा सही हो रहा है। पहला का श्री, यानी कि उत्तर होगा सी। सवाल नंबर 23, उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? हाँ, फसल की रोपनी के वक्त जो पूजा की जाती है वो पूजा है भेलवा पूजा। ठीक है, भेलवा पूजा। सवाल नंबर 24, उरांव जनजाति द्वारा स्कूल के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? स्कूल के कल्याण हेतु इसका उत्तर है गौरिया पूजा। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ठाकुर, पाहन, मांझी या पुजार? पाहन। ठीक है, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। कोई भी सवाल को आप हल्के में ना लें, किसी भी सवाल को आप हल्के में ना लें। सवाल नंबर 26, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो धार्मिक प्रधान है वो तो है पाहन, किंतु जो धार्मिक प्रधान के सहयोगी हैं उन्हें कहते हैं पुजार। ठीक है, सवाल नंबर 27, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? ठीक है, अखाड़ा कहेंगे, मंदिर कहेंगे, शासन कहेंगे या सरना कहेंगे? तो मुख्य जो पूजा स्थल होता है उसे सरना कहा जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहेंगे? ठीक है, जो पूर्वजों की जो आत्मा का निवास माना जाता है वो है शासन। ठीक है, शासन। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? उरांव जनजाति तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, ये तो सही है। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, ये भी सही है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल, जो ईसाई उरांव है उन्हें दफनाया जाता है। और जो यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। सवाल नंबर 33, धूमकुड़िया से संबंधित कथन पर विचार करें। धूमकुड़िया जो एक युवा गृह है उरांव का, देखिए धूमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है, ये तो सही है। दूसरा, इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ युवकों को नहीं, युवक और युवती दोनों होते हैं। अगला है ऑप्शन, इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है, तो ये सही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसका उत्तर कौन सा सही होगा।
तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, धूमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? आप जानते होंगे कि जो पर्व है सरहुल, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सरहुल उत्तर होगा इसका। सरहुल के समय ही धूमकुड़िया में प्रवेश दिया जाता है। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवाओं हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? देखिए, युवाओं और युवतियों के लिए अलग अलग वहाँ पर एक पद है, जो लोग उस संस्था का यानी कि युवा गृह का संचालन करते हैं। तो युवाओं हेतु जो प्रबंध है उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है? ये हो जाएगा जोंक एड़पा। याद रखें, इसे जोंक एड़पा कहते हैं। धूम कुड़िया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध किया गया है? देखिए, जो युवतियां हैं उनके लिए पेल एड़पा, युवक के लिए जोंक एड़पा, युवतियों के लिए पेल एड़पा। धूम कुड़िया नामक संस्था में जोंक एड़पा के मुखिया को क्या कहते हैं? तो जो जोंक एड़पा है उसके मुखिया का नाम है धांगड़। ठीक है, अगला सवाल देखिए। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों की देखभाल के लिए जो महिला है उनको क्या उनका नाम क्या दिया गया है? उनका नाम है बड़की धंगारिन। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने उरांव जनजाति के बारे में देख लिया है। उनसे संबंधित कुछ यदि इम्पोर्टेंट वन लाइनर कुछ मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उरांव जनजाति, जिन्हें मूलतः दक्षिण से आए हुआ माना जाता है, द्रविड़ समूह से उनका संबंध बताया जाता है। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है और इसकी लिपि जो है तोलोंग सिकी है। ठीक है, और इस लिपि का आविष्कार किया है नारायण उरांव ने। हम लोगों ने देखा था संथाल में, संथाली की लिपि थी ओलची की लिपि, और उसके रघुनाथ मुर्मू संस्थापक थे, आविष्कारक थे, किंतु यहाँ पर हैं नारायण उरांव। तुलोंग सिकी लिपि की टाइपिंग हेतु विकसित कंप्यूटर फॉन्ट है वो है केली तोलोग। ठीक है, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरद चंद्र राय ने किया। उरांव जनजाति में उन्होंने 68 गोत्र बताए, फिर भी अब भी प्रमुखता मुख्यतः 14 गोत्रों में विभाजित किया गया है उरांव जनजाति को। देखिए, इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष की धन कटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या करमडार तथा लड़के लार या संगी कहते हैं। विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या संगिनी बुलाती हैं। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति केवल पुरुषों का अधिकार होता है। ठीक है, परिवार की संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होता है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह के शिकार आपने देखे, विषु सेंद्रा वैसाख में, फागु सेंद्रा फागुन में, और वर्षा ऋतु में जेठ सेंद्रा। ठीक है, और जो प्रमुख त्यौहार हैं उसमें करमा, सरहुल, खद्दी, जतरा, सोहराय और फागुन पर्व हैं होली के जैसे। ठीक है, हड़िया यहाँ पर भी पेय पदार्थ है, मुख्य पेय पदार्थ है। इस जनजाति के लोग बंदर का मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, और प्रमुख देवता हैं धर्मेश या धर्मी, जिन्हें प्रकाश देने वाले सूर्य के समान माना जाता है।
एक पॉइंट और है कि इस जनजाति में जनवरी में हर बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है, जिसे गोत्र खुंदी कहा जाता है। मान्यता है कि हरबोड़ा संस्कार के बाद उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, जिसे कोहा बेंजा कहते हैं। ठीक है। और जो लोग इस जनजाति में जादू टोना करते हैं, वैसे व्यक्ति को माटी कहते हैं। ठीक है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। तो इस तरीके से उरांव जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे भी आपको बताते रहेंगे। अगला अध्याय मुंडा का होगा, फिर खड़िया हो, इस तरीके से टोटल जो 33 जनजातियां हैं झारखंड में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। 33 जनजाति जो हमारे संविधान में उनका ये अनुसूचित हैं, इनके बारे में उनका वहाँ उल्लेख है। ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। लेक्चर क्या है? ये सवाल जवाब का तरीका है, आपसे मिलने का तरीका है। ठीक है। नमस्कार।